हाय स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट्स का तीसरा लेक्चर आज मैं बना रहा हूँ और आप लोग डिटरमिनेंट्स में ये पढ़े कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे होता है। किसी किसी को माइनर और कोफैक्टर में अगर दिक्कत होगा निकालने में तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आप साइन कन्वेंशन का साइन याद करके डायरेक्ट निकाल रहे हैं वैसे भी कर लीजिए, और मैं जब 4.4 एनसीईआरटी का पढ़ाऊंगा तो माइनर और कोफैक्टर का पूर्ण रूप से एक बार चर्चा करूंगा। उसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन एक दो एग्जांपल लेकर अवश्य बताऊंगा, क्योंकि 4.4 में केवल है माइनर और कोफैक्टर निकालना ही। और आप लोगों के अंदर एक और भी कमी मुझे महसूस हो रही है, तो सामने है नहीं, आप लोग वीडियो को शुरू से देख नहीं रहे, क्योंकि ये जान लीजिए मैं नाम खाती एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी तरह की थ्योरी थोड़ा हट कर दे रहा हूँ, और थ्योरी के दौरान ही ऐसा चीज बता रहा हूँ बहुत सारा जिससे आप ऑब्जेक्टिव इजिली से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी थ्योरी को आप अपने कॉपी में लिखिए, बार बार पढ़िए, अब ये नहीं कि किताब से पढ़िए, हो सकते वही लैंग्वेज में किताब से अलग कुछ लिखा हो, सब नहीं लेकिन कुछ जरूर ऐसा डिफरेंस मिले, तो उस चीज को आप देखिए। हमने कल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ने के बाद मैंने बोला था कि उस पर क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, और 4.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई एक बुक 4.2 में लगा दीजिए। इसके हरेक क्वेश्चन को आपको एकदम बढ़िया से समझ के रटना होगा, कारण कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ये एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आता है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर एक, ठीक है, पहले 4.2 क्वेश्चन नंबर एक देखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, और इन सब का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, जीरो के बराबर। प्रूव करना है, तो जब मुझे प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं लिया एलएचएस को, और लेने के बाद इसको प्रूव करने, अच्छा ऑपरेशन जो डिटरमिनेंट के वैल्यू में जो ऑपरेशन करना है वो तो आप जो मैट्रिक्स का करते थे वैसे ही होगा, लेकिन याद रहे हम मैट्रिक्स में केवल रो ले लेते थे इनवर्स बनाने के लिए, तो केवल रो ही यूज करते थे, और अगर कॉलम ले लेते थे तो केवल कॉलम ही ले लगाते थे। लेकिन इस डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, C1 को C1 प्लस C2 लिख रहा हूं। जब मैं ऑपरेट किया C1 को C1 प्लस C2, तो ये हो गया X प्लस A, Y प्लस B और Z प्लस C, ये है A B C, और यहाँ X प्लस A, Y प्लस B और Z प्लस C। ये आप लोग देखिए कि कॉलम नंबर वन जो है, यहाँ पर C1 जो है कॉलम नंबर वन, ये C1 और ये कॉलम नंबर तीन C3, कॉलम नंबर एक और कॉलम नंबर तीन आइडेंटिकल है। तो प्रॉपर्टी एक का लिखवाए थे कि यदि किसी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एक जैसा हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो सीधा मैं कहूंगा कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गए, यानी इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हुआ क्या हुआ, जीरो। अब आप इसको लगिएगा एक्सपेंड करके बनाने बहुत समय ले लेगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ही क्योंकि है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइजेस 1-5 और बिना एक्सपेंड किए हुए, ठीक है, मैंने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आप इसको बनाइए। अब ये नहीं कि डायरेक्ट डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ना लगाएं और डायरेक्ट एक्सपेंड करना चालू कर दिए, तो वहां अगर ये प्रॉपर्टी यूज कर दे रहे कि यूजिंग द प्रॉपर्टी, तब आप एक्सपेंड करके बनाइएगा,
तो वहां आपका नंबर कट सकता है। क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस यही समझना है कि किस तरह से हम लाएं। तो सोच रहे हैं कि x प्लस ए यदि इसमें और इसमें जोड़ते हैं तो इसके जैसा होगा, इसमें और इसमें जोड़ेंगे तो इसके जैसा होगा, इसमें और इसमें जोड़ेंगे तो इसके जैसा होगा, सेम आइडेंटिकल वैल्यू निकाल दी। क्लियर आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट। मुझे दूसरा प्रूफ क्या करना है, ठीक है, कि ये बराबर जीरो, ठीक है, चलिए करते हैं। जीरो लाने का दो ही केस है, जीरो आ सकता है जब दो गो आइडेंटिकल हो या फिर किसी एक रो या कॉलम का सारे एलिमेंट जीरो हो। एक काम करते हैं, कुछ सोचिए, कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद मैं काम करता हूं सी वन को चाहे आर वन को, ठीक है, मैं आर वन को लिखता हूं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखिए तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, अगर आप लिखते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ आपने b माइनस सी रहने दीजिए, c माइनस ए रहने दीजिए, a माइनस बी रहने दीजिए, फिर c माइनस ए रहने दीजिए, a माइनस बी रहने दीजिए और b माइनस सी रहने दीजिए। जब आपने इसको जोड़ने का कोशिश किया तो माइनस बी से प्लस बी कट गया, माइनस सी से प्लस सी कट गया, प्लस ए से माइनस ए कट गया, प्लस बी से माइनस बी, प्लस ए से माइनस ए, प्लस सी से माइनस सी, प्लस सी से माइनस सी, प्लस बी से माइनस बी, प्लस ए से माइनस ए, सब कटने के बाद आपको आया जीरो जीरो जीरो, बी माइनस सी, C माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। आप यहाँ ये देख रहे हैं कि आर वन के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया कि जीरो दो केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो रहा है, ठीक है, कब कब, जब वह दो कोई भी दो रो चाहे कोई भी दो कॉलम आपस में एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो, या फिर किन्हीं एक रो का या किन्हीं एक कॉलम का सारे एलिमेंट जीरो हो। तो मैं यहां ये देख रहा हूं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर वन आर जीरो, सो डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा, सो वैल्यू इज इक्वल टू क्या, जीरो, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर बात। और मुझे जो प्रूव करना था वो भी जीरो करना था, यानी बराबर आर एच एस। क्लियर हुआ, इस बात को समझिए कि जी क्या प्रूव करना है। अगर जीरो प्रूव करना है तो कैसे जीरो होगा, जीरो लाने का मतलब दो ही केस करना है मुझे, एक तो आइडेंटिकल कीजिए या सारे एलिमेंट को जीरो कीजिए। तो ये तो आपको थोड़ा दिमाग उतना कैलकुलेशन रखना पड़ेगा कि भाई हाँ ऐसा कुछ लागत था कि जोड़ला पर कोनो एलिमेंट जीरो लग रहा था, मैंने काम वो किया। क्लियर बात है, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए बाबू फिर इसको भी मुझे जीरो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है जीरो, मैंने मिटा दिया अपने बना के लिए। जीरो लाने का दो ही मतलब, आइडेंटिकल मैंने एक जैसा कीजिए या फिर हर एलिमेंट को जीरो कर दीजिए। एक काम करता हूं मैं, काम ये करता हूं, अगर मैं कॉलम नंबर एक को C1 प्लस 9 C2 लिख दूं, तो देखिए तो 2 प्लस 9 सात 63, 63 2 65, 9 8 है, C2 में गुना करे के बाद 9 8 है, अब 72 3 75, 99 81, 81 5 86, मैंने एहू में ऊ एलिमेंट आ जाए जो नहीं करा में बा,
क्योंकि मैंने पहले बार बोल दिया कि जीरो लाने का मतलब आइडेंटिकल सेम कीजिए, दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट को आइडेंटिकल सेम कीजिए, आइडेंटिकल कीजिए। तो मैं जब सी वन को सी वन प्लस सी टू किया तो यहां करूंगा तो 963 अधिक 65, 972 3 75, 981 5 86, 789 65 75 86। देखिए तो सी वन एंड सी टू आर आइडेंटिकल। और जब सी वन और सी टू कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है उसका वैल्यू क्या आता है? जीरो। और मुझे प्रूफ भी यही करना था बराबर आरएचएस। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसको भी जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो जब इसको भी जीरो के बराबर प्रूफ करना है तो एक काम कीजिए, मैं इसको पहले एलएचएस के रूप में लिखा और सॉल्व किया। पहले मैं ब्रैकेट को हटाता हूं, बीसी सी ए बी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी। क्लियर बात है? इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं। किसको जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं? देखिए सी थ्री को सी थ्री प्लस सी टू लिख रहा हूं। जब मैंने ये काम किया, वन 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 बी सी सी ए बी ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, चाहे सी ए बोलिए जो बोलिए, बढ़िया है सी ए लिखिए क्योंकि सी ए दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फिर इसमें भी आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें भी आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस कॉलम नंबर 3 के सारे एलिमेंट एक जैसा है तो आप कॉमन ले सकते हैं डिटरमिनेंट के अंदर। डिटरमिनेंट को मतलब रहता है कि अपना ही कॉलम का या अपना ही रो का सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। आराम से कॉलम कॉमन लीजिए, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी एज कॉमन फ्रॉम कहां से? सी थ्री से। अब मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन लेता हूं। जब मैंने ये कॉमन लिया तो यहां बचा वन वन वन, ठीक है, बी सी सी ए बी सी सी ए बी, ठीक है, यहां भी क्या बच गया? वन वन वन। अब देखिए मैं अगर इसको जब सॉल्व कर रहा हूं तो सॉल्व क्या करना है जी? देख रहा हूं कि कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल है। जब ये आइडेंटिकल है माने एक जैसा है, जब एक जैसा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। और मुझे प्रूफ भी क्या करना था? जीरो। मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर हो गए। नेक्स्ट 10 मिनट हो, मुझे प्रूफ करना है बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी बी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई बराबर इतना। देखिए मुझे जो यहाँ प्रूफ करना है ए पी एक्स लाना है। अब ए पी एक्स लाएंगे कैसे? एक काम कीजिए, यदि इस टाइप सा क्वेश्चन हो बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, तो एक ऐसा ट्राई कीजिए करने को कि आप जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी कैसे भी लाने का कोशिश कीजिए। अगर मैं थोड़ा सा देखिए, यहां पर ये आरएचएस है, प्रूव करना है, छोड़ दीजिए इसको। मैं क्या कर रहा हूं कि आर थ्री को आर थ्री प्लस आर वन प्लस आर टू कर रहा हूं। देखिएगा जब मैंने ये किया तो यहां बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, यहां लिखा सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। जब मैंने यहां लिखा तो ए में ए जोड़िएगा टू ए, बी में बी जोड़िएगा टू बी, सी में सी जोड़िएगा टू सी, यानी दो कॉमन ले लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, सब दो दो है। उसी तरह इसमें भी दो दो सब पी प्लस क्यू प्लस आर,
उसी तरह दूदू को इसमें भी सब एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक बात समझिए, मैं कॉमन ले रहा हूं, टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम आर थ्री। जैसे ही मैंने दो कॉमन लिया, मैंने देखा कि बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बात समझिए बाबू, यहाँ पर एक मिनट में एक और काम कर रहा हूं कि मुझे प्रूफ जो करना है यहाँ पर ए चाहिए, तो ए कैसे आएगा? ए जब आएगा, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो बी प्लस सी से ये खत्म होने के बाद ए ही ना बचेगा, माइनस से ए बचे लेकिन बचेगा ना। अब माइनस को तो प्लस करना अपना हाथ में है, क्लियर बात समझ में आ गया? तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आर वन को मैं आर वन माइनस आर थ्री एंड आर टू को भी आर टू माइनस आर थ्री कर रहा हूं। तो जब मैंने ये काम किया तो b प्लस सी में से ये चला जाएगा। तो देखिए b प्लस सी में से थोड़ा सा देखिए, माइनस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के जब बाहर होगा तो b या माइनस बी सी या माइनस सी कटेगा लेकिन माइनस ए बचेगा, घटाने का काम आप अपने कीजिएगा। उसी तरह q प्लस आर को घटाइएगा तो माइनस पी बचेगा, y प्लस जेड को घटाइएगा तो माइनस एक्स बचेगा, c प्लस ए को घटाइएगा तो माइनस बी बचेगा और r प्लस पी में से घटाइएगा तो माइनस क्यू बचेगा, z प्लस एक्स में से घटाइएगा तो माइनस वाई बचेगा और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सुनिए दो मिनट, मुझे यहाँ चाहिए c, तो c कैसे होगा? जब a और b घट खत्म होगा और a b को घटाने के लिए इस a और b को खत्म करने के लिए प्लस में है तो माइनस में करना पड़ेगा अगर कोई भी चीज है तो, जो कि माइनस या माइनस बी है। तो क्या मैं रो नंबर तीन को ऐसे लिख दू का रो नंबर एक जोड़ो नंबर दो जोड़ो नंबर तीन, तो यहां से क्या होगा माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई और यहां से जब जोड़िएगा इन तीनों को तो माइनस ए ले ए माइनस बी ले यानी सी यहाँ आर और यहाँ बचेगा जेड। अब देखिए मैं माइनस वन कॉमन ले रहा हूं किसमें से, रो नंबर एक में से भी या रो नंबर दो में से भी, दोनों जगह से मैं कॉमन ले रहा हूं यानी दो गो निकलेगा। टेकिंग माइनस वन एज कॉमन फ्रॉम किसमें से आर वन एंड आर टू से, तो आर वन एंड आर टू मैंने दो गो से कॉमन ले रहे हैं, तो जब दो गो से कॉमन है तो दो गुना माइनस एक का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। बात समझिए, टू इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अब यदि इसको आप गुना कर दीजिएगा तो माइनस वन का होल स्क्वायर माने प्लस वन, तो ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, और मुझे यही प्रूव करना था बराबर आर एच एस। समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि थोड़ा थोड़ा ये डिफिकल्ट होते जा रहा है। जिस तरह से मैंने एलिमेंट्री इनवर्स में दिमाग लगा रहा था अपना, उसी तरह इस टॉपिक को भी बनाने में प्रॉपर्टी के द्वारा मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को ये सोचना है कि हम कैसे इसको बनाएं। अगर इसको बनाने आए तो सबसे पहले मैथ बनाने के पहले तोड़ना है दिमाग को अपना कि क्या करें कैसे करें, और तब जाकर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मुझे प्रूव करना है कि जीरो ए माइनस बी माइनस सी जीरो माइनस सी बी सी जीरो बराबर जीरो, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसको
डेल मान ले रहा हूं, लेट लेट कर रहे हम डेल। जब मैंने इसको डेल माना तो एक काम कीजिए, नंबर एक इसको कहिए टेकिंग, मैं इसी का वैल्यू कॉमन निकालना है, टेकिंग माइनस वन कॉमन फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर थ्री तीनों से, तो ये डेल हो जाएगा माइनस वन के पावर तीन, और यहां से आएगा जब आप कॉमन ले लिए तो जीरो माइनस ए बी, ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, तो यहां से डेल का जो वैल्यू है माइनस जीरो माइनस ए बी ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, नंबर टू मान लीजिए इसको। एक काम करते हैं, मैं दोनों को जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं, पहला को और दूसरे को, जब मैं दोनों को जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं ठीक है, लेकिन एक मिनट, जोड़ने के पहले मैं इंटरचेंज करना चाहता हूं नंबर एक को, ठीक है, इंटर जब चेंज कर रहा हूं रोज एंड कॉलम, जब इंटरचेंज कर रहा हूं रो और कॉलम को ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ फर्स्ट, तो वैल्यू चेंज नहीं होता है प्रॉपर्टी के अनुसार, ये हो जाएगा जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी, समझ रहे हैं, फिर बी सी जीरो। अब मैं दोनों इक्वेशन नंबर तीन इसको कह रहा हूं और दूसरा और तीसरा दोनों को जोड़ रहा हूं, तो डेल और डेल टू डेल हो जाएगा, और यहां पर इस माइनस जीरो माइनस ए बी ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो प्लस जीरो माइनस ए बी ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो। जब मैं दोनों को जोड़ा तो टू डेल, ये सी अलग अलग बदल गया तो जीरो हो जाएगा, और डेल का वैल्यू कितना आ गया जीरो, और डेल मैंने इसको निकाला था और इसी का वैल्यू जीरो में जब प्रूफ करना था, इतना ही प्रूफ क्लियर, बड़े आगे चलिए नेक्स्ट। चलिए मुझे ये प्रूफ करना है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी सी ए सी सी बी, ठीक है, एक काम करता हूं मैं कॉमन ले रहा हूं, और कॉमन किस में से ले रहा हूं तो मुझे प्रूफ फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के कर रहा है, मैंने कॉमन लेने का कोशिश किया, टेकिंग कॉमन ए कॉमन ले रहा हूं बी कॉमन और सी, लेकिन किससे ले रहा हूं, फ्रॉम ए कॉमन ले रहा हूं कॉलम नंबर एक से, और बी कॉमन ले रहा हूं कॉलम नंबर टू से, एंड कॉलम नंबर तीन से मैं सी लिया, ए तो कॉलम नंबर एक बी तो कॉलम नंबर दो सी तो कॉलम नंबर तीन। जब मैंने कॉमन ले लिया तो ए बी सी को बाहर कीजिए, ए से लिए तो यहां बचा माइनस ए बी सी, बात समझिए, थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे, जैसे अगर मैं रो से लेता तो रो से लेता तो यहां भी माइनस ए बचता और यहां भी ए बचता, ठीक है, तो कोशिश होता कि वो काम चलते हैं हम लोग, ठीक है, होता वैसे भी लेकर चलते, लेकिन थोड़ा सा अब मैं इसमें से रो नंबर टू में से बी लिया हूं, तो जब बी लिया हूं तो यहां बच जाएगा ए, यहां बच जाएगा माइनस बी, यहां बच जाएगा सी, और जब इसमें से सी कॉमन लिया हूं तो यहां बच जाएगा ए, यहां बच जाएगा बी, यहां बच जाएगा माइनस सी। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझे होंगे। अब क्या कर रहा हूं, पुनः रूप से फिर मैं ए कॉमन ले रहा हूं,
जब मैंने एक कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली यहां लगा दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। आप जा जाएगा कहने का मतलब क्या है, यहां भी रिस्पेक्टिवली। एक बात समझिए, ए से जब मैंने कॉमन लिया तो ए गो ए गो ए स्क्वायर हो जाएगा, एगो बी फिर कॉमन ले रहे हैं तो बी स्क्वायर होगा, एगो सी और कॉमन ले रहे हैं तो सी स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। अब क्या करें जी, तो थोड़ा सा मैं इसको जोड़ा और जब मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ मेरे पास, जब मैंने यहां पर आर वन को चेंज कर रहा हूं, जब मैंने जोड़ रहा हूं तो यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए माइनस वन में वन जोड़ूंगा तो जीरो, यहां भी जीरो, यहां वन वन माइनस वन 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 माइनस वन। क्लियर बात समझिए, यहां हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करूं जी, अब मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूं, एक्सपेंड कर दे रहा हूं, क्योंकि यहां एज ए कन्वर्स प्रॉपर्टी का तो यूज कर ही दिया, कहीं एक जगह मुझे एक्सपेंड भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आर वन के लॉन्ग एक्सपेंड इसलिए करूं कि इसका दो गो एलिमेंट जीरो है, तो मुझे ये दोनों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो जिसके साथ गुना होगा वो जीरो कर देगा। तो मैं ये जानता हूं कि इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो इसका चिन्ह प्लस का ही होगा, तो वन, फिर ये करने के बाद वन माइनस वन वन वन, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ वन हो जाएगा माइनस माइनस वन माने वन। क्लियर बात समझिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, अच्छा सॉरी, जब मैंने यहां पर जोड़ा तो वन वन या टू होगा ना, एक मिनट रुक जाइए, जब यहां मैं जोड़ रहा हूं तो माइनस वन में और वन को जीरो, वन में वन जीरो, वन वन टू हो जाएगा वहां पर, यहां टू होगा, टू होगा। क्लियर बात, अब देखिए जब यहां टू, यहां सही है, यहां टू होगा, जब यहां टू होगा तो दो गुना वन प्लस वन, वन वन टू 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 जा फोर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर आर एच एस, कोई दिक्कत। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा तब भी बनेगा। क्लियर बात समझ में आ, तो ये तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कब कैसे कर दू। जहां दो को एलिमेंट जीरो आया किसी रो का, बस उसी को एक्सपेंड कीजिए, उसी को फैलाइए और वो दो एलिमेंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि जीरो जिसके साथ भी गुना होगा जीरो करेगा। नेक्स्ट बढ़े आगे आइए, देखिए जी यहां पर आया कि वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। मुझे प्रूफ करना है, एक काम करता हूं मैं पहले कि इसमें से यदि इसको घटा दूं तो जीरो होगा, फिर इसमें से यदि इसको घटा दूं तो भी जीरो होगा, देखते हैं थोड़ा सा। मैं R1 को R1 माइनस R2 करता हूं, समझिए, एंड R2 को R2 माइनस R3 करता हूं, तो एक में से गया जीरो, A में से भी गया A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में से गया जीरो, B में से सी गया B माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ एक यहाँ सी स्क्वायर। बाबू इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तोड़िएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, रो नंबर एक में ए माइनस बी कॉमन निकल रहा है, उसी प्रकार से रो नंबर दो में बी माइनस सी कॉमन निकल रहा है। अब देखिए, टेकिंग टेकिंग कॉमन ए माइनस बी
एंड बी माइनस सी फ्रॉम आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली। मैंने ए माइनस बी कॉमन लिया रो नंबर एक से और बी माइनस सी कॉमन लिया रो नंबर एक दो से। जब मैंने इसमें से ए माइनस बी कॉमन लिया तो ए माइनस बी हुआ, यहां बी माइनस सी हुआ इसमें से, तो ऊपर क्या बच गया जीरो एक ए प्लस बी, फिर क्या बचा जीरो एक बी प्लस सी, क्योंकि बी माइनस सी तो कॉमन ले लिए हैं, वन सी सी स्क्वायर। अब क्या कर दे, तो अब मैंने देखा कि कॉलम नंबर एक के दो एलिमेंट जीरो है तो मैं एक्सपेंड करूंगा, और एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंड अलोंग सी वन, सी वन के लॉग माने ऐसे ऐसे इसको, तो इसका चिन्ह प्लस का प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस, तो जीरो जीरो वाला को कोई चिंता ही नहीं है, जीरो के पहले तो बार बार बोला जीरो छोड़ दीजिए, तो इसका चिन्ह ए माइनस बी बी माइनस सी, इसका वन लिखना है तो लिखिए, सारे एलिमेंट को तोड़िए, वन ए प्लस बी वन बी प्लस सी, तो ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ बी प्लस सी हुआ माइनस ए माइनस बी हुआ, यहां से यहां कट गया, तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। क्लियर बात, मुझे प्रूव कर। एक बात और याद कर लीजिए इसको, यदि वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो उसका वैल्यू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए होगा, यह डिटर्मिनेंट याद भी रखिए। उसी तरह यहां अगर क्यूब रहेगा तो क्या होगा उस चीज को, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है तो इसी का दूसरा है तो यही काम करेंगे, थोड़ा सा ये आप लोग अपने से बनाइएगा, काम यही करेंगे, सेम जो ये काम किए हैं वही काम उसमें भी करेंगे, पहले जीरो जीरो बनाएंगे, जीरो जीरो बनाने के बाद उसको एक्सपेंड कर देंगे कॉमन लेने के बाद। ठीक है, क्लियर, बढ़ू मैं आगे नौ नंबर की तरफ बढ़ रहा हूं, अठवा का दूसरा बनाइएगा आप लोग, नौ आया मेरे को फिर से एक बार थोड़ा सा बता बोलिएगा, मैं बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, बहुत सारे को ये मतलब कैसे बोलूंगा, तो बोले कहे कि व्हाट्सएप मेरा नंबर सभी के पास है, कॉपरेट कीजिए इस लॉकडाउन में, आप लोग अपने से थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नौ नंबर, आइए देखते हैं थोड़ा सा, इसमें भी देख रहे हैं कि x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स कैसे आएगा जी, यदि इसमें से इसको घटा दू तो x माइनस वाई आने का चांस है और इसमें से इसको घटा दू तो y माइनस जेड आने का चांस है, दो चीज मुझे दिखा, मैं रो नंबर एक से रो नंबर दो को घटा रहा हूँ और रो नंबर दो से रो नंबर तीन को घटा रहा हूँ, पहले इतना काम मुझे करने दीजिए। जब मैं रो नंबर एक से रो नंबर एक को रो नंबर एक माइनस रो नंबर दो लिखा, ठीक है, फिर मैंने रो नंबर दो को रो नंबर दो माइनस रो नंबर तीन लिखा, जब मैंने ये लिखा तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड कॉमन निकल जाएगा तो वाई माइनस एक्स होगा, बात समझिए, यहां पर हो गया वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, फिर जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे x माइनस वन इसमें भी मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इसमें भी मिल रहा है, मैं इसमें से यदि कुछ कॉमन ले रहा हूं, अगर मैं इसमें से माइनस जेड कॉमन ले रहा हूं माइनस जेड, तो यहां से भी मुझे x माइनस वाई मिल गया। ठीक है, माने x माइनस वन इसमें y इसमें भी x माइनस वाई इसमें भी x माइनस वाई इसमें भी, उसी तरह से यदि मैं y माइनस जेड यहां ले रहा हूं तो y माइनस जेड इसमें भी, और अगर अगर मैं x यहां कॉमन ले रहा हूं माइनस एक्स तो y माइनस जेड इसमें भी कॉमन निकल जा रहा है। ठीक है, मुझे x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एज कॉमन फ्रॉम आर वन एंड आर टू
रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब मैंने x माइनस वन वाई कॉमन लिया, फिर y माइनस जेड कॉमन लिया, यहाँ बच गया वन, यहाँ बच गया x प्लस वाई, यहाँ बच गया माइनस जेड, यहाँ भी बचा वन y प्लस जेड, और यहाँ बच गया माइनस एक्स, यहाँ बचा जेड जेड स्क्वायर, और यहाँ बचा एक्स वाई। क्लियर बात है? थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन देखने दीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ये लगा, हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 में से R2 को घटा रहा हूँ। जब मैं R1 में से R2 को घटा रहा हूँ, R1 को R1 माइनस R2 जब मैं लिख रहा हूँ, जब R1 को मैंने R1 माइनस R2 लिखा तो एक में से एक गया जीरो चला जाएगा, तो क्या बचा जी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर हुआ एक में से एक गया जीरो, ठीक है। x प्लस वाई में से y प्लस जेड गया तो आएगा x माइनस जेड, ठीक है। माइनस जेड में से माइनस एक्स गया तो कितना आ जाएगा जी, माइनस जेड में से अगर आप माइनस एक्स को ले जाए तो माइनस जेड प्लस एक्स आएगा, ठीक है। फिर वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ध्यान दीजिए, पहले एक मिनट मिला लीजिए कि क्या ये सही है। अब ये सही होने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर कुछ दिमाग काम चल रहा है, एक काम कीजिए, मैं एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहा हूं, और जब मैंने एक्सपेंड करने का कोशिश किया तो अलोंग किसका एक्सपेंड किया जाए, सी वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे बढ़िया होगा। सी वन के अलोंग जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड अलोंग सी वन, एक्सपेंड अलोंग सी वन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी वन के अलोंग एक्सपेंड करने में एक्स माइनस, देखिए मुझे एक्स माइनस वाई हो गया, वाई माइनस जेड हो गया, अब जेड माइनस एक्स भी प्रूव में, क्या अगर मैं इसमें जेड माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ, ये दोनों में तो कॉमन लीजिए, टेकिंग जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम आर वन, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यहाँ बचेगा जीरो माइनस वन क्योंकि एक्स माइनस जेड है, लेकिन मैंने जेड माइनस एक्स कॉमन लिया है। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर बात है? अब क्या करूं जी, अब क्या करूं, तो अब यही करना है कि एक्सपेंड कर देता हूं आर वन के लॉन्ग। जब आर वन के लॉन्ग मैंने एक्सपेंड किया तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसका चिन्ह प्लस का माइनस का प्लस का, जीरो वाले के लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो जीरो वाला नहीं कीजिएगा, तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और तब इसको और इसको ढक लीजिए, तो बचेगा वन इंटू एक्स एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ठीक है। फिर ये वाला तो प्लस माइनस माइनस वन, इसका कीजिएगा तो जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर किए यदि तो यहां से आया जेड वाई, यहां से क्या आया जेड स्क्वायर सॉरी माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स हो जाएगा, यहां से कीजिएगा तो जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, तो यहां से और ये कट जाएगा, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। जब माइनस जेड वाई को माइनस से गुणा कीजिएगा तो प्लस जेड वाई होगा, यानी ये होगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। क्लियर बात है? देखिए तो प्रूफ क्या करना था, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, वाई जेड कहिए चाहे जेड वाई कहिए, क्लियर बात, प्रूफ हो गया इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ ये, तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा कि कैसे क्या हो रहा है, और डिफिकल्ट क्या है, बस आपको अपना ही दिमाग लगाना है, बस वही डिफिकल्ट है। क्लियर? बढ़े आगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए कोई मेथड नहीं है। चलिए नेक्स्ट, देखिए मुझे इसका प्रूफ करना है, 5x प्लस फोर इंटू फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5x प्लस फोर आएगा कैसे, जब मैं इसको जोड़ लूं, इसको भी जोड़ लूं,
इसको भी जोड़ लू तो 5x प्लस 4 आने की चांसेस है। एक काम कीजिए, मैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा हूं, तो यहां करने के बाद 5x प्लस 4 आया, यहां भी 5x प्लस 4 आएगा, यहां भी 5x प्लस 4 आएगा, यहां 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। अब कॉमन क्या ले लेंगे, 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम कहां से, R1 से। तो जब मैंने 5x प्लस 4 कॉमन लिया तो यहां पर बचा 1, 1, 1, 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। अब सुनिए, 1, 1 तो मुझे बहुत पसंद है, मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको घटाकर 0, 0 करने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने C1 को C1 माइनस C2 एंड C2 को C2 माइनस C3 कर दिया, तो ये हो गया 5x प्लस 4, और 1 में से 1 गया 0, 2x में से x गया x, x माइनस 4, 2x में से 2x गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0, फिर x प्लस 4 में से 2x गया 4 माइनस x, फिर 2x में से x गया x माइनस 4, ठीक है, फिर 1, 2x, x प्लस 4। एक मिनट सुनिए, सुनिए, मैं x माइनस 4 इसमें से कॉमन ले लूंगा, इसमें भी कॉमन ले लूंगा, यहाँ 4 माइनस x है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 बचेगा, तो टेकिंग x माइनस 4 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, दो जगह से कॉमन लिया, देखिए दो जगह से C1 से और C2 से, यानी दो गो निकला, तो दो गो निकला है तो 5x प्लस 4 यहाँ हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0, 1, 0, 0 माइनस 1, 0, सॉरी 1, 1, 2x, x प्लस 4, क्लियर बात। अब एक्सपेंड कीजिए R1 के लॉन्ग, तो यहां से हो गया 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 1 माइनस 0, ये तो टोटल 1 हुआ जी, 1 हुआ, यानी 5x प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर किसके प्रूव हो गया, बराबर आ रही चीज, क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत, तो यही रहने देता हूं, लेकिन 10वां का 2 नंबर और 8वां का 2 दोनों आप लोग बनाइएगा, 10वां का 2 नंबर, और कोशिश कीजिएगा कि आगे भी बने, क्योंकि सेम सेम वही है, ठीक है, तो रहने देते हैं आज यहीं पर। प्रॉपर्टी थोड़ा समझना जरूरी है, प्रॉपर्टी के लोग इसी पर बहुत थोड़ा सा लगेगा, कैसे करें कैसे नहीं करें, तो इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट, तो छोड़ते हैं अब यहीं पर, छोड़ देते हैं, आगे आप लोगों को कल बताऊंगा, लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान में दीजिएगा और बनाने का भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक आप लोग अपने हाथ से हैंडल कर सकते हैं, क्लियर बात है। और लेक्चर वीडियो का थ्योरी पढ़ना मत छोड़िएगा, थ्योरेटिकली पूरा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, थ्योरेटिकली जितना पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा आप लोगों से। तो चलिए नेक्स्ट।